कमाल राशिद खान उर्फ केआरके का शायद विवादों से गहरा नाता है। किसी न किसी वजह से केआरके सुर्खियों और कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं, लेकिन इस बार बात इतनी बिगड़ गई है कि उनके जेल की सलाखों के पीछे जाने तक की नौबत आ गई है। एक्टर, प्रोड्यूसर और खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले केआरके के खिलाफ इंदौर की जिला अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। दरअसल पिंजर, सत्या और गैंग्स ऑफ वासेपुर समेत कई मशहूर फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले मनोज वाजपेयी और केआरके के बीच रार पैदा हो गई है। बता दें कि मनोज वाजपेयी ने केआरके के खिलाफ डिफेमेशन केस यानी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर न होने पर इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने केआरके के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अब ये कौन सा मामला है जो केआरके के लिए परेशानी का सबब बन गया है? दरअसल विवाद 26 जुलाई 2021 को सोशल मीडिया से शुरू हुआ था, जब केआरके के ट्विटर हैंडल से एक्टर मनोज वाजपेयी को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किए गए थे, जिसके बाद केआरके के खिलाफ केस दर्ज हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस केस से जुड़ी जानकारी मनोज वाजपेयी के वकील परेश जोशी ने दी है। वकील ने बताया कि कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मनोज वाजपेयी की ओर से केआरके पर ये आरोप भी लगाया गया कि वे इस केस में कथित तौर पर देरी कराने के लिए जानबूझकर कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। उनका ये कहना भी है कि केआरके ने उनकी छवि खराब करने के इरादे से आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। अब कोर्ट ने केआरके को अदालत में 10 मई को मौजूद होने के लिए कहा है। केआरके की ओर से जेएमएफसी से अनुरोध किया गया है कि कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई स्थगित की जाए, क्योंकि उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। बता दें कि इससे पहले 13 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने केआरके की इस मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल केआरके के वकील ने केआरके पर लगे आरोप को खारिज किया था और ये कहा था कि जिस ट्विटर हैंडल से आपत्तिजनक ट्वीट किए गए थे उसे 22 अक्टूबर 2020 को सलीम अहमद नाम के एक शख्स को बेचा जा चुका है। वकील के मुताबिक एक ट्विटर हैंडल केआरके बॉक्स ऑफिस को घोषणा या समझौता विलेख के तहत बेचा गया था। बता दें कि कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट मनोज वाजपेयी की पॉपुलर एक्शन ड्रामा सीरीज द फैमिली मैन को लेकर किया गया था।